आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। केंद्रीय जेल रीवा में बंदियों का उत्साह बढ़ाने के लिए दो दिवसीय खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। समापन अवसर में शामिल हुए रीवा रेंज आईजी चंचल शेखर, कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया है। जेल अधीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि दो दिवसीय खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बंदियों ने प्रतिभागियों के रूप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन दो दिवसीय था, जो शनिवार से आयोजित किया गया था। समापन अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया है। चुनौती आपके सामने है कि या तो वक्त के सांचे में ढल जाए या फिर वक्त के सांचे बदल जाए, और जो वक्त के सांचे बदलते हैं वो अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ देते हैं, एक नया मूल्य देते हैं। अभी यहां जो साहित्यिक कार्यक्रम हुए, निसंदेह साहित्य हमारे यथार्थ जीवन का चित्रण है, वह हमारे समाज का वास्तविक आईना है, दर्पण है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। कि जैसा स्पेशल जज साहब ने बोला कि जाने अनजाने में अगर किसी से कोई भूल हो गई है तो उस भूल के प्रायश्चित का जगह है, उसको सही करने का जगह है, उसको मन को शुद्ध करने का जगह है। कई सारे देशों में सुना होगा, अरब के देशों में पुराने कायदे कानून में कि अगर कोई किसी का हाथ काटता था तो उसके बदले में उसकी दूसरे की हाथ काट ली जाती थी, आंख फोड़ता था तो उसके आंख फोड़ दिए जाते थे, 20 कोड़े की सजा, 100 कोड़े की सजा ऐसी दी जाती थी। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में इस तरह के जो कानून है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, ये बंद है। हमारे देश में जेल में रह करके ही अच्छे विचार मन में लाना, अपने आप में डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन अपने में उत्पन्न करना, और जो हमसे गलती हो गई है उसका प्रायश्चित करना ही हमारे देश में सजा है। बहुत बात चल रही है कि कैपिटल पनिशमेंट शुरू कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, फांसी की सजा हो, लेकिन अभी भी देश का संविधान इसमें इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल एक्सट्रीम से एक्सट्रीम अगर कोई केस हो तो उसमें की करते हैं, परंतु आम तौर पे हम ये मानते हैं कि हमारे देश के सभी लोग जो नागरिक हैं सब एक गुलदस्ते के जैसे एक प्राइज पोजीशन है, एक बहुमूल्य धन है देश के लिए, और उनको कैपिटल पनिशमेंट से नष्ट ना कर उनको एक मौका देकर उनको एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर दिया जाए, इसलिए ये जेल है। अच्छी अच्छी कहानियां उन्होंने सुनाई और ये कहा कि संसार में जब व्यक्ति को जो मिला है उससे प्रसन्न नहीं रहता, जो नहीं मिला है या जिसके अपेक्षा करता है उससे प्रसन्न रहता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, आप ही की नहीं, हमारी नहीं, पूरे संसार का है, कि सारे संसार का यही रोना है, मिल गया तो मिट्टी नहीं तो सोना है। तो सारे संसार के लोग, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
जैसी नजरिया वैसा नजारा। इन्हीं कथाओं के अनेक माध्यम से इसके उदाहरण से लोग देते हैं, कहते हैं कि एक जो है एक गलती से एक कुत्ता किसी शीशे के घर में चला गया तो उसने देखा, अंदर से स्वभाव से गुस्सा था, देखा कि हजारों ये सैकड़ों कुत्ते जिधर देखे तो लगा ये सब काट खाएंगे और भूखने लगा। तो कहते हैं वो भूख भूख करके थक करके मर गया और वही एक दूसरा कुत्ता जब उसमें गया तो देखा कि अब हजारों लोग मुझे खेलने के लिए मिलेंगे, सैकड़ों कुत्ते मिलेंगे, तो कहीं पोछ लाए, कहीं गर्दन हिलाए, कहीं कुछ करे। तो उसने पूरा जीवन को आनंद में पूरा लिया, खेल कूद करके बाहर निकला। ये सारी सृष्टि हमारे दृष्टि का खेल है कि हमें जैसी दृष्टि दिखेगी वैसे, और इसी दृष्टि को बदलने के लिए, जो आदतों को बदलने के लिए, कि आदतों को बदलना आसान नहीं होता किसी भी व्यक्ति के, आपको हमके सभी के, कि आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जो आदतें न बदल पाए, बुरी आदतें, जो बुरी आदतें न बदल पाए वो इंसान नहीं होता।